फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अनीता स्वागत करती हूँ आप सभी का रूफ वाटिका पर। और फ्रेंड्स, मैं आज जा रही थी अपने एक स्पेशल प्लांट पर काम करने, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी वीडियो शेयर किया जाए। और एक ऐसा प्लांट है जो सबको पसंद है, और जिसके घर में दो भी गमले होंगे ना, तो वो सोचता है कि मेरे गमले में ये प्लांट ज़रूर से ज़रूर लगा हो। बट कुछ लोगों के मुँह से मैंने सुना है कि उनके यहाँ ये प्लांट सर्वाइव नहीं करता है, तो गेस कर गए होंगे आप। तो नहीं कर पाए तो मैं बताती हूँ, मैं रोज़ प्लांट की बात कर रही हूँ। गुलाब का पौधा सबको बहुत पसंद आता है, खूबसूरत फूल सबको बहुत पसंद आते हैं। बट कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनके यहाँ जो गुलाब का पौधा है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं करता। तो उसका बहुत बड़ा कोई रीज़न नहीं होता है, छोटी छोटी सी बातें हैं। अगर उनको आप ध्यान में रखते हैं फ्रेंड्स, तो सालों साल आपके रोज़ प्लांट यूं ही फ्लावरिंग करेंगे और हेल्दी बने रहेंगे। तो मैं चल रही थी छत पे, अपने रोज़ प्लांट पर कुछ काम करना था, तो चलिए मेरे साथ और देखिए कि क्या छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ध्यान करके आप सालों साल अपने रोज़ प्लांट से हैवी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो चलिए कैमरे को बैक करते हैं और मैं अपना काम शुरू करती हूँ, साथ में बातें करते जाएंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो और आपको इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मिल जाए। तो ठीक है, कंटिन्यू कीजिए वीडियो। सो फ्रेंड्स, अब आ गई हूँ मैं अपनी छत पे और देखिए कितना खूबसूरत गुलाब खिला हुआ है। और फ्रेंड्स, ये देसी गुलाब हैं जो साल के 12 महीने इसी तरह से फ्लावरिंग करते रहते हैं, कभी भी इसमें फ्लावरिंग रुकती नहीं है। और ये देखिए रेड वाला है और कलियां भरी हुई हैं, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर छोटी सी बात है, अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके रोज़ प्लांट भी इसी तरह फ्लावरिंग करेंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं बताती हूँ बिल्कुल सिंपल वे में कैसे आप कर सकते हैं रोज़ प्लांट की देखभाल। तो देखिए, ये आपको स्पेंड फ्लावर नज़र आ रहे होंगे, मतलब जैसे ही आपके फूल सूखते हैं तो आपको उनको तुरंत काट के हटा देना है। ऐसा नहीं है कि फूल सूख के झड़ गया और उसी में बना हुआ है, तो ये नुकसानदायक होता है आपके प्लांट के लिए। तो यहाँ देखिए आपको न्यू ग्रोथ दिखाई दे रही होगी, ये ग्रोथ तभी होगी जब इस तरह से स्पेंड फ्लावर को आप काट के हटाएंगे सीजर की मदद से। तो आप इसकी कटिंग ज़रूर करिए। गुलाब के पौधे की एक खासियत है कि जिस डाली में एक बार फ्लावर आता है, कभी भी पलट के फिर से उस डाली में फ्लावर नहीं आता है, फूल नहीं आता है। जब तक आप इसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे, जब तक आप इसकी कटिंग नहीं करेंगे, न्यू ब्रांच नहीं आएंगी, तब तक इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। ये एक छोटा सा फंडा है जो आपको समझना है, और यहीं पर हम भूल कर जाते हैं। ये देखिए, ये है मिनिएचर रोज़ और कितने अच्छे से खिले हुए हैं और बंचेस में फ्लावर आते हैं इसमें। और इसकी भी मैंने कटिंग की थी और इसके बाद ये रिजल्ट आया है। तो कटिंग ज़रूर कीजिए, जब एक बार फ्लावर आपके गुलाब के पौधे में होकर झड़ जाए या तोड़ लें आप, तो उसकी प्रूनिंग ज़रूर कीजिएगा। कटिंग प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है और गुलाब के प्लांट का एक यही बस राज है कि आप उसकी समय समय पर प्रूनिंग करते रहिए। देखिए, मैंने काट के हटा दिया है। और बताती हूँ, जितनी भी सूखी ब्रांचेस आपको नज़र आए आपके प्लांट पे, बिल्कुल ये मत सोचिए कि अगर आपका छोटा सा प्लांट है तो मैं कटिंग करूँगी तो क्या होगा। तो अगर आपका छोटा सा प्लांट है तो हल्की हल्की प्रूनिंग कीजिए, बट कीजिए ज़रूर। अगर आप एक बार फ्लावर ले चुके हैं तो ऊपर की हल्की हल्की टिप काट दीजिए। देखिए, मैंने की हुई है, आपको नज़र आ रहा होगा, मेरे पूरे गमलों में इस तरह से कटे हुए आपको प्लांट मिलेंगे। और इसके बाद कटिंग करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ये है कि आप अपने पूरे गमले की गुड़ाई अच्छे से कीजिए। ये देखिए, मैं अपने दोनों गमलों की गुड़ाई कर रही हूँ। गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है, हफ्ते भर में टाइम मिले तो करिए, 15 दिन में एक बार गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। आप अपने रोज़ नहीं, आप जितने भी प्लांट आपके पास है सबकी 15 से 20 दिन में एक बार गमले की गुड़ाई ज़रूर कीजिए, अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छे से गार्डनिंग करना। और गुड़ाई करने के बाद अब बारी आती है फर्टिलाइज़र की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर
आपके पास दो चॉइस होंगी, या तो आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज कर सकते हैं जैसे मैं इस समय आपको दिखा रही हूँ। ये रोज़ मिक्स है और इसमें सभी तरह के फर्टिलाइज़र मिक्स होती हैं और बहुत सस्ता आता है। ये पैकेट है 1 kg का और 60 रुपये में आपको ईजिली मिल जाएगा किसी भी सीड शॉप पर। तो एक चम्मच 1 12 इंच के गमले के लिए बहुत है और कम से कम 15-20 दिन के अंतर में आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं अपने रोज़ प्लांट में केमिकल कभी कभी यूज करती हूँ, बाकी जो मेरे सब्जी के पौधे होते हैं और मेरे जो फ्रूटिंग प्लांट है उसमें मैं बिल्कुल भी केमिकल खाद यूज नहीं करती। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो ऑर्गेनिक में भी आप यहाँ पर बर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस होगी कि आप केमिकल खाद यूज करना चाहते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। फ्रेंड्स, ये आपको तय करना है। तो इसके बाद में देखिए, मेरे पास जितने भी प्लांट हैं यहाँ देखिए कलियाँ भरी हुई हैं और 15 से 20 दिन पहले मैंने इन सारे प्लांट्स की अच्छे से हार्ड प्रूनिंग की थी, क्योंकि मेरे जो प्लांट्स हैं बहुत बड़े बड़े हैं। तो अगर आपका प्लांट बड़ा है तो हार्ड प्रूनिंग करिए और अगर छोटा है तो छोटी छोटी सी टिप उसकी कट कीजिए, बट कट ज़रूर कीजिए। और कटिंग करने के बाद अपने गमले की गुड़ाई कीजिए, फर्टिलाइज़र दीजिए। इतना प्रोसेस आपको करना होगा, 15 से 20 दिन के अंतर में करते रहेंगे तो आपके प्लांट हमेशा हेल्दी बने रहेंगे और कभी भी फ्लावरिंग रुकेगी नहीं, 12 महीने उसमें फ्लावरिंग होगी। जैसे मेरे प्लांट्स में हमेशा फ्लावरिंग होती ही रहती है। अब तो विंटर सीजन है, इस समय तो और अच्छे से होगी। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए बहुत लंबा था, मैंने इसको लगभग आधा कट किया था और ये है मेरे टाइगर, तो आप लोग भी मिल लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब फर्टिलाइज़र देने के बाद में डाल देती हूँ पानी। याद रखिए कि फर्टिलाइज़र कभी भी प्लांट की जड़ के पास मत दीजिए, हमेशा गमले के चारों तरफ किनारे किनारे दीजिए, मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए और पानी दे दीजिए। पानी इतना देना है कि ड्रेन आउट होकर आपके ड्रेनेज होल से बाहर ना जाए, ताकि उसके साथ हमारा फर्टिलाइज़र भी बाहर ना निकले, इतना ध्यान रखिएगा। और इस छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करके चलिए, आप देखिएगा कि आप भी बहुत ही अच्छे से गार्डनिंग कर पाएंगे। तो बाय बाय फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।